बता रही हैं 16 से 18 दिसंबर तक चलेगा महापौर सम्मेलन। काशी के दर्शन महापौर को कराए जाएंगे, रहने खाने पीने की व्यवस्था कराई जाएगी। सुविधा शुल्क के लिए महापौर को 7,30,000 रुपए देने होंगे। महापौर को क्रूज से सफर कराया जाएगा। वाराणसी से पंकज चतुर्वेदी इस वक्त संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पंकज, क्या कुछ अपडेट है महापौर सम्मेलन को लेकर, क्या तैयारियां चल रही हैं? हाँ जी, बताना चाहेंगे आपको कि प्रदेश के 7 नगर आयुक्तों को चिट्ठी भेजी गई, यहाँ से पत्र भेजा गया है जिसमें वर्णित है कि जो नगर आयुक्तों का जो महापौरों का जो सम्मेलन हो रहा है उसकी उसकी व्यवस्थाओं के लिए उनके जो उनके साथ जो उनके गेस्ट आएंगे, महापौर के जो स्टाफ रहेंगे, उनके रहने खाने की व्यवस्था के लिए हर नगर आयुक्त को 7.5 लाख रुपए उनसे मांगे गए, सहयोग राशि मांगी गई है कि आप 7.5 लाख रुपए दे जिससे उनके रहने खाने की व्यवस्था हो सके, उनके स्टाफ के रहने खाने की व्यवस्था हो सके। उसके अलावा जो TFC में जो कार्यक्रम होना है 16, 17, 18 उसमें उसकी सजावट पे खर्चा, साथ ही बनारस से काशी से अयोध्या जो महापौरों को ले जाया जाएगा उसके लिए, क्रूज पे जो गंगा आरती देखेंगे महापौर उसके लिए, तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि 7.5 लाख रुपए जो प्रदेश के 7 नगर आयुक्तों को चिट्ठी भेजी गई है कि 7.5 लाख रुपए आप लोग जो है सहयोग राशि दें। और चिट्ठी में जैसा कि मैंने देखा उसमें वर्णित है, लिखा हुआ है कि प्रदेश सरकार के द्वारा ये आदेशित की गई है कि सभी नगर निगमों को इसका जो है भार वहन करना पड़ेगा। जी, यानी तैयारी अभी शुरू हो चुकी है। और कितने महापौर इस सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं पंकज, इसको लेकर कोई अपडेट? जी, आपको बताना चाहेंगे कि देश भर के महापौरों को बुलाया गया है कि देश भर से जितने भी महापौर आएंगे उनको प्रधानमंत्री द्वारा संबोधित किया जाएगा उस सम्मेलन में। उसको देखते हुए प्रदेश के जो 7 नगर निगमों को बोला गया है, नगर आयुक्तों को चिट्ठी भेजी गई है। ठीक है पंकज, आप